भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 के मुकाबले में विराट कोहली सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए थे। लाखों दिल चकनाचूर हो गए, उनमें से एक दिल था एक पाकिस्तानी फैन गर्ल का भी। इसके बाद लव खानी नाम की लड़की ने न केवल कोहली के लिए अपने प्यार का इजहार किया बल्कि अपने देश के एक शख्स को रोकते दिखे पर भी बरस पड़ी। अब लव खानी ने वर्ल्ड कप के अहमदाबाद में होने वाले मैच के लिए भारत का वीज़ा मांगा है। वो लगातार मैच देखने का वीज़ा मांग रही हैं। अब उन्हें पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर टैग किया है और लिखा है कि मैं एक आम पाकिस्तानी लड़की हूं जो दुबई में रहती हूं, मुझे क्रिकेट बेहद पसंद है, मैं भारत और विराट कोहली की बड़ी फैन हूं, प्लीज़ मुझे वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद आने का स्पेशल वीज़ा चाहिए, उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ लव खानी खुद जुड़ चुकी हैं और आशीष दीक्षित न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लव के पास सबसे पहले चलते हैं। लव, आपकी जो तस्वीरें हैं इससे पहले भी हमने देखी, आपकी बातें हमने सुनी, आप बहुत बड़ी क्रिकेट की प्रशंसक हैं, विराट कोहली की प्रशंसक हैं और अब आप भारत आना चाहती हैं, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? सबसे पहला सवाल तो यही है आपसे। सबसे पहली बात ये कि पड़ोसियों का कल्चर इतना अच्छा है और मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, द मोस्ट पॉपुलर कंट्री वर्ल्ड वाइड इज इंडिया एंड पड़ोसी हैं, पड़ोसियों से प्यार है। बचपन में क्रिकेट देखी थी पर फिर अब कैरियर में बिजी हो गए, फिर कभी मैचेस देखने का मौका नहीं मिला। लास्ट ईयर 71st सेंचुरी थी, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में विराट कोहली जी की फर्स्ट टाइम बैटिंग देखी, उस दिन दिल धड़क गया, डाई हार्ड फैन बन गई और फिर डिसाइड किया कोई भी मैच जो है वो छोड़ना नहीं है, हर मैच में जाना है। फिर पता चला कि आना चाहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करके आपने एक ट्वीट भी किया है। जी मैंने किया है क्योंकि हम पाकिस्तानियों के लिए टूरिस्ट वीजा की कैटेगरी नहीं है, ई वीजा की फैसिलिटी नहीं है, उसमें एक ही कंडीशन है कि स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट चाहिए। मैं भारत में किसी को नहीं जानती हूँ, मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स हैं, मेरे लिए जो मेरे अपने हैं वो सब जिनको मैं पसंद करती हूँ, जो मुझे इतना प्यार दे चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, सो कोई ब्लड रिलेशन, कोई स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट के लिए आई डोंट हैव एनीवन ओवर देयर। सो इसलिए मैंने कहा कि आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, मैं पड़ोसी देश से प्यार करती हूँ, मैं विराट कोहली जी को पसंद करती हूँ, आई एम अ क्रिकेट फैन, तो मुझे एक स्पेशल कैटेगरी का वीज़ा इशू करा के दिया जाए। इट वुड बी अ स्पोर्ट्स स्पेक्टेटर का वीज़ा, स्पेशल कैटेगरी का विजिट वीजा, क्योंकि मैं बाकी किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हूँ। मैं किसी भी देश में जाऊँ, मैं ई वीजा अप्लाई करती हूँ, कॉन्सुलेट जाती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करती हूँ, मुझे वीजा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एक्सेप्शन चाहिए विच इज द स्पेशल कैटेगरी वीजा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दिल साफ है और मैंने एक बहुत अच्छा मोहब्बत का कदम बढ़ाया है और मेरे पड़ोसी देश वाले मुझे निराश नहीं करेंगे। ठीक है, आशीष दीक्षित न्यूज रूम से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, भारत अपनी परंपराओं के लिए, अपनी तहजीब के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता है और अब तो ये पूरी दुनिया कह रही है, अलग अलग जगहों से, चाहे हम क्रिकेट को लेकर या भारत की संस्कृति को लेकर, लोगों का जो प्यार उमड़ रहा है ये निश्चित तौर पर भारत को भारत बनाता है। आशीष, यही वजह है शायद कि जो हिंदी के फॉन्ट हैं, जो हिंदी में लव खानी ने जो पीएम मोदी से अपील की है कि मैं क्रिकेट की फ़ैन हूँ, मुझे स्पेशल वीज़ा चाहिए, लव खानी से मैं सीधा पूछता हूँ ये हिंदी वाला आइडिया कहाँ से आया कि हिंदी में मुझे लिखना है, क्योंकि आप तो दुबई में रही हैं, माना कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स स्कूल सब हिंदुस्तानी भी हैं, लेकिन ये हिंदी वाला लिखने का तरीका क्या आइडिया आया कि हिंदी में लिख के पीएम मोदी को टैग करती हूँ, शायद वीज़ा मिल जाए? सर मैं सच बताना चाहूंगी, मेरे ज्यादातर जो फैंस हैं ना वो इंडिया से हैं और देखें जब आप कहीं पर जाते हो तो उनको उनके कल्चर में ग्रीट करना है, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, आदाब। तो जब मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस इंडिया से हैं तो मैं बिलीव करती हूँ कि मैं उनकी भाषा में, हिंदी में उनको लिखकर उनसे बात करूं, उनको अपना प्यार का पैगाम दूं। तो मुझे हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता है पर मैं बहुत मेहनत से गूगल ट्रांसलेट करती हूं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि वो वाक्या मुझे समझाइए, जब आप विराट कोहली 4 रन बनाकर आउट हुए, स्टेडियम से बाहर आप आई और एक वो शख्स जो आपके बगल में खड़े थे, आपने इंडिया की तारीफ की तो वो नाराज हो गए, पाकिस्तानी जो थे वो, क्या वाक्या हुआ था और आपने क्या कहा था? वो सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को,
और मैंने भी अपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ ना अपने देश के ना किसी और देश के, लेकिन अगर कोई टीम अच्छी है, उनके प्लेयर अच्छे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगी. और व्हेन इट कम्स टू समवन फेवरेट, आई कैन फाइट फॉर माय फेवरेट प्लेयर. सो जब मैं विराट कोहली जी की तारीफ करने लगी हूँ, सो ही गॉट अपसेट कि आप अपने टीम के प्लेयर्स की तारीफ क्यों नहीं कर रहे, अपने पड़ोसी की तारीफ कैसे कर दी. मैं पाकिस्तानी हूँ, इट डजंट मीन कि मैं अपने देश की ही सिर्फ तारीफ कर सकती हूँ, मैं किसी और की तारीफ क्यों नहीं कर सकती हूँ. आई हैव द राइट, हम दुनिया में प्यार बांटते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की तारीफ की, मेरे पड़ोसियों के लेकिन लव जिस तरह का माहौल है उसमें प्यार को एक्सप्रेस करने में भी 100 बार सोचना पड़ता है. किसी के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर करने में, अपनी बात कहने में भी हमें उसके कई सारे एंगल्स देखने पड़ते हैं. आपको किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, किसी ने आपको कोई धमकी नहीं दी वहाँ पर इस तरह की? मुझे वो चाचा के अलावा किसी ने नहीं रोका. इवन जितने लोगों को मैं जानती हूँ, जो मेरे पाकिस्तानी है, जो मेरे सर्कल में, वो सब विराट कोहली जी के फैन है. अच्छा, अभी श्रीलंका में जैसे अभी और मैच इंडिया पाकिस्तान के होने वाले हैं, हो सकता है फाइनल भी हो एशिया कप का, एक मैच और हो सकता है जो टॉप 4 टीमें पहुंची हैं, क्या आप वापस जाएंगे श्रीलंका मैच देखने दुबई से? मैं जाऊंगी, और जो मेरी प्रेडिक्शन है, आई कैन सी इंडिया इन फाइनल्स, ये मेरा दिल कह रहा है, और एंड यू विल सी मी इन फाइनल्स फॉर श्योर. तो लव, आपको पूरा यकीन है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो गुहार आपने लगाई है वो सुनेंगे और आप भारत आएंगी मैच देखेंगी? नमस्कार मोदी जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा स्वागत करेंगे. आप हिंदुस्तान में हैं, पूरा हिंदुस्तान मेहमान नवाज है, मैं मेहमान बन के आऊँगी. मुझे पूरा यकीन है, मुझे निराश नहीं किया जाएगा. वाई इंडिया इज़ फेमस अपनी मेहमान नवाजी के लिए. बड़ा ही फेमस गाना है जिसमें शाहरुख खान जी हैं कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है. तो मुझे पूरा यकीन है, हमने फिल्में देखी हैं, फिल्मों में प्यार देखा है, और हम एक्सपेक्ट भी वही करते हैं जैसे राजा महाराजाओं की कहानी होती है. मैं लड़की हूँ, हम लड़कियाँ पता कैसी होती है, हम ज्यादातर फेरी टेल्स में रहती हैं. चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भारत के बारे में बहुत कुछ जानती हैं. ये अच्छा लगा सुन के आपके मुँह से शाहरुख खान का जो डायलॉग आपने अभी बताया. और निश्चित तौर पर वसुधैव कुटुंबकम, भारत की ये जो परंपरा है, इसी के लिए भारत जो है वो पूरी दुनिया भर में जाना जाता है. लव, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी. आशीष दीक्षित न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े थे. आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो लव की तरफ से अब एक गुहार लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, और इंडिया न्यूज़ के जरिए भी उन्होंने कहा है कि उनको निराश नहीं करेंगे, उनको मौका दिया जाएगा. अब देखना ये होगा कि क्या लव भारत आती हैं, विराट कोहली की चूंकि बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, क्या उनसे मिलती हैं और क्या वो मैच का लुत्फ उठाती हैं, क्योंकि क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रशंसक नजर आ रही है.